अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। चैप्टर टू की प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, 2.1, 2.2, 2.3 हम कर चुके हैं, आज हम 2.4 और 5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2.4 की जो स्टेटमेंट है उसके लिए मैं आपको ये फॉर्मूले लिखती हूँ। तो s इक्वल v मल्टीप्लाई बाय t डिस्टेंस, फिर फर्स्ट इक्वेशन vf इक्वल vi प्लस at, फिर सेकंड इक्वेशन s इक्वल vi t प्लस हाफ at स्क्वायर, और 2as इक्वल vx स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी फाइनल जीरो हो जाएगी, अगर वो वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल, अगर वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है फाइनल जीरो, और एक्सेलरेशन इसमें चेंज हो जाएगा ग्रेविटी में वो भी -10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन इसमें ग्रेविटी में चेंज हो जाएगी +10 मीटर पर सेकंड, और जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इन चीजों का आपको इलम होना चाहिए। जैसा कि अभी आपकी 2.4 प्रॉब्लम है, इसमें कहता है टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक टेनिस बॉल को हिट किया वर्टिकली ऊपर गया, अब ऊपर जा रही है बॉल, ऊपर जा रही है जमीन से ऊपर जा रही है, तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो उसने हमें दी है वो दी है 30 मीटर पर सेकंड। चूंकि बॉल ऊपर जा रही है, टेनिस बॉल ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन, जैसा कि मैंने इधर बताया, कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन किसमें चेंज हो जाएगी, ग्रेविटी में, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी बात है जब बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर फिर रुकेगी, रेस्ट करेगी, फिर नीचे आएगी, चंद सेकंड के कुछ हिस्से में वो ऐसे रुकेगी और फिर नीचे आएगी, तो उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब इन दोनों बातों को मैं इधर बयान कर चुका हूं, इसके समझाने का मकसद ये है, फाइनल उसने भी नहीं देनी आपको, वो जीरो है जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में इसे टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, यानी कि उसकी डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया ऊपर जाने में, यानी कि हाइट हमने वो मालूम कर दी है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और इससे जमीन पे वापस आने में कितना टाइम, ऊपर जाने का टाइम ये t2, नीचे आने का टाइम है, यानी कि एक बॉल वो किधर गई, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर गई है, तो जब ऊपर जाएगी तो चंद लम्हों के लिए रुकेगी सेकंड के कुछ हिस्से में, तो फाइनल जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जी में चेंज होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, और किस स्पीड से ऊपर जा रही है इनिशियल, 30 मीटर पर सेकंड। देखिए हमारे पास vf है, vi है, a है और t भी है, हम ये s यानी कि हाइट मालूम कर सकते हैं, तो यहां हम यूज कर देते हैं, क्योंकि हम सेकंड भी यूज कर सकते हैं इक्वेशन और थर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारा डाटा हमारे पास गिवन है, वी आई भी है, सेकंड के लिए टाइम भी है, एस मालूम करना है, यानी कि हाइट और ए भी है, ए से मतलब ग्रेविटी। हम यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 2as इक्वल vx स्क्वायर माइनस एक जगह जी आ जाएगा और एस की जगह एच आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉल किधर जा रही है, जमीन से ऊपर की तरफ, और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या आएगी, -10, हाइट हमने मालूम कर दी है, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0g, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 का स्क्वायर -20h, 0 -900, -20h, -900, -- की करते हैं हमने हाइट पर कर दी है, 20 पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह की क्या होगा, डिवाइड, तो 0 0 से कट गया, 2 4 5 10, तो हाइट उसकी आ गई 45 मीटर।
हाँ जी, वो कितनी हाइट पे गया जी? 45 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी अगर 30 थी, टाइम उससे लगा 3 सेकंड, तो 45 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमने मालूम करना है टाइम, तो टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, vf यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो vf इक्वल va प्लस at, vf इक्वल va प्लस a की इसमें चेंज हो जाएगा g में, क्योंकि बॉल की तरफ जा रही है अपवर्ड। तो फाइनल इसकी क्या है? 0। इनिशियल इसकी क्या है? 30। जी की वैल्यू -10। और ये दूसरा टाइम हम मालूम करें तो वो नीचे है, 30 बराबर -30 -10 t2, माइनस से कट गया 10 t2, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, 10 3 30, और ये आपका आ गया 3 सेकेंड। अच्छा जी, टोटल टाइम जो है हम उसे ले लेते हैं टोटल टाइम, क्योंकि बॉल उसने कहा कि बॉल नीचे आके जब हिट करेगी तब कितना, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, इसे जमीन पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा। जाते हुए का टाइम तो हमें पता था 3 सेकेंड, और आते हुए का टाइम हमने निकाल लिया वो भी 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम T1 ये ऊपर जाने का टाइम प्लस T2 नीचे आने का टाइम 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड, ये हमारा टोटल टाइम। ये था स्टूडेंट आपका 2.4 एग्जांपल, इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 से 3 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर ये आपको आएगा, और इस चीज को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपको मसला ना पड़े स्टेटमेंट समझ। थैंक यू सो मच।